हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार। अगस्त में हटेगी तबादलों से बैन। अधिकारी एक दो दिन में मुख्यमंत्री जी को ट्रांसफ़र पॉलिसी पर ब्रीफ करेंगे। अगली कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। पूरी अपडेट हम देखें दोस्तों तो प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारी के तबादले अगस्त में 15 दिन के लिए बैन हटेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार कर ली है। जेडी और सीएम सचिवालय के अधिकारी ट्रांसफ़र पॉलिसी पर डिस्कशन कर चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी श्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष शुक्रवार को ट्रांसफ़र पॉलिसी ब्रीफ की जानी थी, लेकिन सीएम शाम को नई दिल्ली रवाना हो गए। एक दो दिन अधिकारी मुख्यमंत्री से ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर चर्चा करेंगे। संभवतः अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी दे दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि नई पॉलिसी में किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। प्रावधान किया गया है कि प्रथम श्रेणी के सभी अधिकारियों के मुख्यमंत्री जी और द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के अधिकारियों को विभागीय मंत्री और जिले के भीतर कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। पहले सरकार नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने के स्थान पर मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से तबादले किए जाने पर विचार कर रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा है कि वे अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में अधिकारियों को पदस्थापन कराएं ताकि समन्वय के साथ काम कर सकें। मंत्रियों को जल्द मिलेगा जिले का प्रभार। मध्य सरकार बने करीबन 7 महीने हो गए, लेकिन अब तक मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं सौंपा गया। चूंकि सरकार कर्मचारियों के तबादले से बैन हटाने जा रही है और जिले के अंदर कर्मचारी के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे, इसलिए जल्द ही मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर अगस्त में आपकी ट्रांसफर शुरू हो जाएंगी और जैसे ही इसकी पॉलिसी आती है मैं जरूर अपडेट लाऊंगा। ये वीडियो सूचना माता था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।